हे गाइस, तो अब बहुत ही भयंकर गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई है। और अब जब गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई तो हमारी स्किन गर्मी से झुलसने लगेगी, स्किन टैन होने लगेगी। टैन होने के साथ साथ हमारी स्किन के ग्लो को भी ख़त्म कर देगी, यानी कि स्किन पर दाने, स्पॉटलेस और गुमोरियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों से किस तरीके से आपको निजात चाहिए, यानी अपने आप को कैसी रेमेडी यूज़ करनी है, क्या आपको ऐसा प्रोडक्ट अपने घर का ही यूज़ करना है अपने फेस पर, आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लानी ना पड़े, कोई भी 1 रुपए का खर्चा आपको करना ना पड़े और बस कुछ ऐसा बन जाए जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने को लेकर रेमेडी तैयार करूँगी। गाइज़, तो किस तरीके से रेमेडी बनानी है और आपको उसमें क्या क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए गाइज़ जो आपकी स्किन के लिए बेटर हों, आपकी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल भी हों। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हाँ गाइज़, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइज़ मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ नई नई रेमेडी और नए नए मेकअप से जुड़ी जानकारी। तो चलिए गाइज़, बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी किस तरीके से तैयार करनी है ये देखिए गाइज़, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन, कॉफ़ी और 1 चम्मच दही और 1 आलू ले लिया है, ठीक है गाइज़। तो इस आलू को मैंने अच्छे से धो लिया था, इसको आपको छीलना नहीं है, आपको सिर्फ ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, आप कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। और कद्दूकस करने के बाद में गाइस आपको क्या चाहिए, आलू का रस, ठीक है। तो आप आलू के अंदर का पल्प निकाल लेंगे, उसे कद्दूकस करने के बाद में छलनी में रखकर उसे अच्छे से चम्मच की सहायता से गाइस निचोड़ लेंगे। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पर ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच के समथिंग ये आलू का रस निकल जाएगा इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पर रेमेडी अपने फेस से लेके नेक तक बता रही हूँ, तो 1 से 1.5 चम्मच रस काफ़ी है गाइस, ठीक है। तो अब जो मेरे पास ये 1 चम्मच बेसन है वो मैं इसमें आलू के रस में डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, और अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी गाइस वो है दही। दही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, मैं आगे चल के आपको इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊँगी क्या क्या काम आपके फेस पर करने वाले हैं। तो चौथी चीज़ गाइस मैं इसमें डालूँगी ये कॉफ़ी फेस पैक, ठीक है। तो हमने क्या लिया, आलू का रस ले लिया, सेकेंड हमने ले लिया बेसन, और थर्ड हमने ले लिया दही, और फोर्थ हमने ले लिया कॉफ़ी, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी किचन में ही अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इस तरीके से पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा और आप इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ जो मेरी चम्मच में था एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया, और बाकी अब मैं अच्छे से इसे अपने पूरे फेस से लेकर अपने नेक तक इसे लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको अपने पूरे फेस पर फैला लेना है गाइस। तो चलिए गाइस, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये रेमेडी हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करेगी। तो गाइस, कच्चा आलू क्या काम करेगा, मैंने उसको छीला किस लिए नहीं था गाइस, क्योंकि उसके छिलके के अंदर जो विटामिन्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन के डेड सेल्स को निकालने में बहुत मदद करते हैं गाइस। तो आलू एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के कालेपन को और मैल को दूर करता है। बेसन हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा और फेयर बनाएगा गाइस। और जो दही हमने इसमें डाली है गाइस, तो वो हमारी स्किन में एक शाइन देगी, स्किन को ग्लास स्किन बनाएगी, और वो भी स्किन को निखारने में बहुत मदद करती है गाइस। और कॉफ़ी हमारी स्किन को अंदर से नरिशिंग कर देगी, यानी कि हमारी स्किन के अंदर की प्रॉब्लम्स को एकदम क्लीन कर देगी और सॉफ्ट बनाने में मदद करेगी गाइस। तो ये देखिए गाइस, मैंने आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दिया है कि इस रेमेडी को करने के बाद में गाइस आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से स्मूथ, शाइनी और चमकदार नज़र आने लगेगी। तो क्या करना है गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था रेमेडी को आपको तैयार कर लेना है, तैयार करने के बाद में इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है गाइस। और अप्लाई करने के बाद में गाइस, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये देखिए, गीला कर करके पूरे फेस की मसाज करेंगे। मसाज करने से क्या होगा गाइस, जो बेसन है वो हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करेगा, कॉफ़ी है वो हमारी स्किन पर भी स्क्रबिंग का काम करेगी, और हमारी स्किन की टैनिंग को, कालेपन को, स्किन पर झाइयों को धीरे धीरे रगड़ने से कम कर देगी। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और मैं थोड़ी देर बाद इसे बाथरूम में जाकर के अच्छे से क्लीन कर आऊँगी। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, 10 से 15 मिनट में भी आप अपने पास समय निकाल करके अपनी स्किन को अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, बस आपको चाहिए टाइम गाइस। तो गाइस, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का तो हम लेडीज़ हैं अपने लिए समय निकाल ही सकते हैं गाइस। पूरा दिन सबके लिए जीते हैं, अगर दिन में 15 मिनट भी अगर हम अपने लिए जी लिए, तो समझ लीजिए कि आप अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे।
तो गाइस रेमेडी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि मेरी बताई हुई रेमेडी आपको कैसी लगती है। सो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ढेर सारा मुझे प्यार दें।